बहुत पुराने समय की बात है, एक बार एक व्यक्ति ने तय किया कि उसे जीवन की हर मोह माया को त्याग देना है और सन्यासी बनना है। वह यह सोचकर अपने गुरु के पास गया और कहा, हे गुरुदेव, मुझे सन्यासी जीवन जीना है। गुरु ने पूछा, क्या तुम सच में सन्यासी बनना चाहते हो? तब व्यक्ति ने कहा, हाँ। फिर गुरु ने कहा, तो ठीक है, आज के बाद से तुम उससे कभी नहीं मिलेगा। जब जरूरत होगी तो मैं खुद तुझे बुला लूंगा। इस आश्रम में 500 से भी ज्यादा सन्यासी हैं, तुझे भी उनकी तरह रहना है। व्यक्ति ने कहा, ठीक है। और वह जाकर एक बंद कमरे में चुपचाप बैठ जाता है। उस कमरे में उसे चावल कूटने का काम दिया गया। वो रोज 500 सन्यासियों के लिए चावल कूटता। जब थक जाता तो वहीं सो जाता और फिर वापस उठकर चावल कूटने लगता। उसे लगता था कि जब गुरुजी को उसकी जरूरत होगी तो वो खुद उसे बुला लेंगे, और इसी इंतजार में वो रहा करता था। अब वह सुबह से शाम तक बस चावल कूटता रहता, क्योंकि गुरुजी ने उसे यही करने को कहा था। 12 सालों तक यही चलता रहा, लेकिन तब तक वह व्यक्ति बेहद शांत हो गया था। उसके मन में ना कोई विचार, ना कोई अड़चन, वह बस चावल कूटने के काम में लगा रहता। 12 सालों में यह उसकी दिनचर्या बन गई थी। 12 साल बाद गुरु को लगा कि अब उनके जाने का वक्त आ गया है। उन्होंने सब में यह घोषणा करवा दी कि जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वो रात में मेरे कमरे की दीवार फांद कर आएगा और 4 पंक्ति लिखकर जाएगा। उस पंक्ति में जीवन को कैसे सही तरह से जीना है उसे लिखना होगा, उसे जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन यह उसे स्वयं से लिखना है। सभी अपने गुरु को बहुत मानते थे, लेकिन सब उन्हें इस तरह से धोखा नहीं देना चाहते थे। उनके आगे खुद को प्रस्तुत करना आसान नहीं था। हिम्मत तो सभी शिष्यों में थी, लेकिन यह काम कोई करना नहीं चाह रहा था। उन्हीं में से एक विद्वान शिष्य ने यह कर दिखाया। उसने दीवार फांद कर कमरे की दीवार पर 4 पंक्ति लिख दी, जिसमें लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है, उस धूल को साफ कर दो, सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। सुबह गुरुजी उठे तब उन्होंने देखा और बोले, यह किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़ कर ले आओ। लेकिन वह विद्वान शिष्य रात में ही भाग गया था, क्योंकि ये विचार उसके नहीं थे। उसने बड़े बड़े ग्रंथों से ये बात उठाकर गुरुजी के दीवार पर लिख दी थी। उसने जाते समय अपने मित्रों से कहा था कि अगर गुरु को यह लाइन पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, परंतु अगर वे क्रोधित हो जाएं तो उन्हें मेरा पता मत बताना। सभी लोग ये मानते थे कि ये इतने सुंदर शब्द हैं, मन एक दर्पण की तरह तो है जिसमें शब्दों विचारों की धूल जम जाती है, वहीं उसे साफ कर दें तो सत्य का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। इसमें कहां कुछ गलत है, गुरु कुछ ज्यादा ही सख्त हैं। देखते हैं वे इससे ऊंची बातें कहां से लाते हैं। पूरे आश्रम में बस यही बातें चल रही थी। उन्हीं में से 4 व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से निकले। उनकी बातें सुनकर वो हंसने लगा। वे चारों यह देखकर सोचने लगे और बोले, इसमें हंसने की क्या बात है। तब वह बोला कि गुरुजी सही ही तो कह रहे हैं, किस ना समझ ने ये लिखा है। यह सुनकर वे चारों भड़क गए और बोले, तुम क्या जानो इसका मतलब, इतने सालों से बस चावल ही तो कूट रहे हो, तुम्हें शास्त्रों के ज्ञान के बारे में क्या पता है। अगर ये पंक्तियां इतनी ही गलत हैं तो तुम इससे कोई अच्छे शब्द बताओ। वह व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन मैं इतने सालों से चावल कूटते कूटते लिखना भूल गया हूँ, किसी को मेरे शब्दों को लिखना पड़ेगा। और हाँ, यह भी जान लो कि मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। अगर मुझे यह उपाधि मिली तो मैं कान पकड़ता हूँ और मैं विचार नहीं बताऊंगा। तब उन चारों ने कहा, अरे तो हमें बता, हम लिख देते हैं। व्यक्ति ने कहा, तो फिर लिखो, कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है वो सत्य को प्राप्त हो जाता है। आधी रात को यह सब पढ़कर गुरुजी उस चावल कूटने वाले के पास गए और कहा, अब तू यहाँ से भाग जा, वरना ये 500 के 500 शिष्य तुझे मार डालेंगे। तो मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना चाहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया है, और अगर यह बात इन सबको पता चल गई तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला उत्तराधिकारी कैसे बन गया, वह कैसे सत्य को प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया,
और ये शास्त्र जानने वाले सर पीटते रह गए, इसलिए तू यहाँ से कहीं भी दूर भाग जा। एक बार भगवान बुद्ध ने भी अपने शिष्य से कहा था कि जब तुम्हारे अंदर विचार आना बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, इस पूरी सृष्टि को समझ पाओगे। और यही बुद्धत्व का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका जो बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है, वह है खुद के विचारों पर काम करना। आपके अंदर क्या चल रहा है उसे अच्छी तरह से समझना, न कि अपने विचारों को कहीं भी दबाना। ऐसा करना गलत है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे, आप तुरंत अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू कर दें। आप कुछ समय बाद यह नोटिस करोगे कि आप अपने विचारों को लंबे समय तक ऑब्जर्व करने लगे हो। हर तरह के अच्छे बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करते हो। एक समय आने पर आप खुद के विचारों पर आराम से कंट्रोल कर लेंगे। आप आने वाले कल और बीते हुए कल की चिंता न करके अपने वर्तमान में जियोगे। जो अभी इस समय आपके सामने है, आपको उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना है।